हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आपकी एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे सबसे पहले डेली सुबह चार बजे आपको हमारे द्वारा यह वीडियो करंट अफेयर्स की प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर हम डेली के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग के द्वारा पहले ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिकंदराबाद स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामान्य सम्मेलन का 63वां वार्षिक नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? स्वीडन, इंडिया, ऑस्ट्रिया या यूके? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के वियना सिटी में इसका आयोजन किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन का नाम भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, इनका नाम है डॉक्टर के एन व्यास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर पहचाना गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंड्रियास सिलगोई, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई में किस नेटवर्क कंपनी ने 8.5 मिलियन ग्राहक जोड़े हैं? एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल या वोडाफोन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 5, किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं? MiG-21, सुकोई SU-30, तेजस या फिर राफेल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजस। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों, इस विमान को किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 16 हमारे पास तेजस विमान है और बाकी के दोस्तों टोटल ऑलमोस्ट हमें 40 तेजस जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से मिलेंगे। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 83 तेजस और बनाने के लिए एक प्रपोजल रखा गया है, जिसके लिए टोटल कीमत लगेगी 50,000 करोड़ रुपए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितने नए पावर प्लांट्स का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 10? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? दिनेश मुंगिया ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाएगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या सिक्किम? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाएगा ऐसा राज्य है आपका तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका का नया आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रॉबर्ट ओब्रायन को नया आर्थिक सलाहकार चुना गया है अमेरिका का। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे, रॉबर्ट कटलर, तो यह पहले आर्थिक सलाहकार थे अमेरिका के। और यहाँ पे है ऑप्शन सी, यानी कि चार्ल्स कूपरमैन। चार्ल्स कूपरमैन आपके पहले के आर्थिक सलाहकार थे, अब नए आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं रॉबर्ट ओब्रायन। आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 4 नए जजों की नियुक्ति की गई है। अब टोटल स्ट्रेंथ आपकी 34 हो चुकी है, इंक्लूडिंग CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर। चलिए दोस्तों अब आज का आखिरी सवाल है, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस मिसाइल का परीक्षण इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है ओडिशा के तट पर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।